बन गया ना फिगर। देखो ऑप्टिकल फाइबर वायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट निकली, ये ऑप्टिकल फाइबर है, उसका सेंट्रल पार्ट ये वाला हिस्सा है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये डेंसर मीडियम है, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो रेयरर मीडियम है। ध्यान देना ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके ऊपर से एक कवर चढ़ाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर वायर में, ठीक है। और ये डेटा ट्रांसमिट करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 30 करोड़ मीटर/1 सेकेंड में, 30 करोड़ मीटर ये ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। 30 करोड़ का मतलब किलोमीटर में कितना हो गया, 30 लाख, किलोमीटर में हो गया 30 लाख मीटर/1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये ट्रेवल करता है डेटा। तो ऑप्टिकल फाइबर वायर इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसमिट करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसमें देखो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, पहले देखो सबसे पहले ये इंसिडेंट होता है, किस में आता है, डेंसर मीडियम में आता है, डेंसर मीडियम से वो जाना चाहता है रेयरर मीडियम में, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो वो उस मीडियम में क्या जाएगा, आंसर नहीं जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये आ जाएगा इस मीडियम में, वापस से इसी मीडियम में आ जाएगा। अगर इस मीडियम में फिर से आया और फिर से म्यू टू और म्यू वन के का जो इंटरफेस है इससे टकराया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो फिर से ये इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर से हो जाएगा और ये प्रोसेस लगातार आगे चलता रहेगा। तो इसमें किया क्या जाता है कि म्यू टू और म्यू वन के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम्बिनेशन, यानी दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो कम्बिनेशन लिया जाता है, ऐसा लिया जाता है कि क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम हो जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से हो सके, ठीक है, याद रहेगा। चलो